यह वाक्या उस समय का है जब एक बार राजा कृष्ण देव राय की सभा में एक परदेशी आता है और राजा और सभा में मौजूद सभी लोगों से एक सवाल पूछने की आज्ञा मांगता है। साथ ही वह यह भी कहता है, यदि आप मेरे जवाब का उत्तर दे देंगे तो मैं आपको उपहार में एक हीरों का हार दूंगा। राजा कहता है, पूछिए आपका क्या सवाल है। परदेशी कहता है, आप सभी लोगों से प्रश्न है कि मुझे ये बताइए कि आपके राज्य में सबसे मूल्यवान चीज क्या है। एक व्यक्ति जवाब देता है, राज्य का खजाना। दूसरा व्यक्ति उसका जवाब देता है, हीरों से जड़ा हुआ राजा का मुकुट। तीसरा व्यक्ति कहता है कि हमारे राज्य की सेना सबसे कीमती है। जब बारी तेनाली रामा की आती है तो राजा उनसे पूछते हैं कि बताओ तेनाली, तुम्हारा जवाब क्या है। तेनाली कहता है, महाराजा, किसी भी राज्य में की सबसे मूल्यवान चीज लोगों की आजादी होती है। परदेशी कहता है, तेनाली रामा, क्या आप इस बात को सिद्ध कर सकते हैं। तेनाली कहता है, जरूर, अगर आप मुझे कुछ दिन का समय दें तो मैं आपको यह सिद्ध करके दिखा दूंगा। महाराज कहते हैं, ठीक है तेनाली रामा, तुम्हें इसे सिद्ध करने के लिए कुछ समय दिया जाएगा, लेकिन जब तक परदेशी यहाँ पे रहते हैं, ये हमारे मेहमान हैं और इनकी देखभाल, खाने पीने की सुविधा सभी मैं आपको सौंप रहा हूँ। तेनाली रामा आज्ञा का पालन करते हैं और परदेशी को सभी प्रकार की सुविधाएं दी जाती हैं। उनको शाही भोजन, नृत्य, संगीत आदि सभी सुविधाओं से लबरेज कर दिया जाता है। एक दिन उनका मन नदी के किनारे टहलने का होता है, जो कि उनकी खिड़की से दिखती रहती है। वह तैयार होके अपने कक्ष से बाहर निकलने ही वाले रहते हैं कि द्वारपाल उनका रास्ता रोक लेता है और कहता है, महाशय, क्षमा करिए, आपको बाहर जाने की अनुमति नहीं है। परदेशी यह सोचता है कि शायद यह मेरी सुरक्षा के लिए है, इसीलिए वह भी अपने कक्ष में वापस चला जाता है। लेकिन यह रोक टोक दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है और उस परदेशी को एक कमरे मात्र तक सीमित कर दिया जाता है। लेकिन उस कमरे के भीतर उसको सभी प्रकार की सुविधाएं दी जाती हैं, जो कि एक शाही सुविधाओं के अंतर्गत मानी जा सकती है। विदेशी काफी परेशान रहने लगता है। 10 दिन के बाद फिर से सभा लगती है। तेनाली रामा के निवेदन पर महाराजा परदेशी को सभा में बुलाते हैं और सभा में बुलाकर उससे पूछते हैं, क्या आपको महल की सुख सुविधाएं अच्छी लगी। परदेशी कहता है, महाराज, मैं सुख सुविधाओं से तो बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन मैं कभी भी उसका पूरा लुत्फ नहीं उठा सका, क्योंकि मुझे बाहर घूमने फिरने की सुविधा नहीं दी गई है और मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मेरी आजादी किसी ने मुझसे छीन ली। इस बात को सुनते ही राजा बहुत नाराज होते हैं, क्योंकि राजा ने परदेशी की देखभाल की जिम्मेदारी तेनाली रामा को दी हुई थी और तेनाली रामा ने उस काम को अच्छे से नहीं किया। तेनाली रामा राजा से कहते हैं, महाराज, मुझे थोड़ा समय दीजिए और मुझे क्षमा कीजिए, लेकिन मैंने जो कुछ भी किया इनको यह सिद्ध करने के लिए किया, ताकि इनको यह समझ में आए कि आज़ादी से मूल्यवान कुछ भी नहीं है। मैंने इनको खाने पीने की सभी सुविधाएं दी, नृत्य प्रस्तुत किया, इनको सभी शाही सुविधाएं उपलब्ध कराई, किंतु मैंने इनकी आज़ादी छीन ली। इसका परिणाम आपने देखा कि यह व्यक्ति, यह परदेशी आज खुश नहीं है। परदेशी को अपने सवाल का जवाब मिल चुका था। उसने खुश होकर तेनाली रामा को हीरों का हार उपहार में दिया। राजा कृष्ण देव राय और सभा में मौजूद सभी लोगों ने तेनाली रामा की चतुराई पर तालियां बजाई और उसकी प्रशंसा की। दोस्तों, यह कहानी हमें यह शिक्षा देती है कि जीवन में आज़ादी से बहुमूल्य और कुछ भी नहीं है। आज़ादी एक ऐसा शब्द है जो हमारी अंधेरी दुनिया में एक प्रकाश का उजाला लेकर आती है। उम्मीद करता हूँ कि ये हमारी कहानियाँ आपके जीवन में एक नई उमंग भरेंगी, आपको पॉजिटिव डायरेक्शन में सोचने और काम करने की ऊर्जा प्रदान करेगी। यदि हम अपने उद्देश्य में सफल हुए हों तो प्लीज़ लाइक द चैनल, share it with your friends and family, and please subscribe it so that you will be updated by every day with our motivational stories. Thank you very much for your valuable time.